नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने यूपीसीए टेट पर काफ़ी वीडियोज बनाए, जब उनका काउंसलिंग रिजल्ट आया था या काउंसलिंग डेट आई थी और कौन कौन से अपलोड करने थे डॉक्यूमेंट, इस पर मैंने वीडियो बनाए। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ देखे हम यूपीसीए टेट 2019 काउंसलिंग के संबंध में। जो भी विद्यार्थी अभी तक 2019 की परास्नातक यानी मास्टर्स की काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो यूपीसीए टेट है, जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसमें डेट में परिवर्तन किया है। तो क्या है डेट परिवर्तन, पूरा वीडियो देखिएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा दें। देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए, सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2019 के परास्नातक मास्टर्स की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 20 जून से बढ़ाकर 24 जून दोपहर 5 बजे तक की जाती है, एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि 21 जून 2019 से बढ़ाकर 25 जून की जाती है। यानी परास्नातक के जो भी विद्यार्थी जो मास्टर्स के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे और अभी तक उन्होंने किसी कारणवश अप्लाई नहीं किया, तो दुखी होने की कोई बात नहीं है। जो यूपी सेट की जो यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, उन्होंने आपके लिए डेट में चेंज कर दिया है। अब जो काउंसलिंग की डेट पहले थी रजिस्ट्रेशन की, वो थी 20 जून, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 24 जून कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि थी 21 तारीख, उसको अब बढ़ाकर 25 तारीख कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा दीजिएगा, और कोई जानकारी आती हो आपको मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।